हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट्री हिंदी टीवी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के बारे में। उसकी लाइफ स्टाइल से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि नए से नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, टेस्ला कार के मालिक एलन मस्क दुनिया के सबसे रिच पर्सन कैसे बने, इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे इनकी पूरी लाइफ स्टाइल। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, एलन मस्क को सदी का सबसे क्रांतिकारी इंसान कहने में कोई गलत नहीं होगा। दोस्तों, एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। एलन मस्क बचपन से ही काफी होशियार थे। उन्होंने कंप्यूटर, लैपटॉप में कोडिंग जैसी चीजें अपने आप ही सीख ली थी। ये जब 13 साल के थे तब इन्होंने वीडियो गेम अपनी कंप्यूटर से बनाकर $500 में बेचा था। दोस्तों, अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो एलन मस्क अपने टाइम को बर्बाद करने से पहले 20 बार सोचते हैं। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इतने पैसों का ये करते क्या है। दोस्तों, हम आपको बता दें, अपने अधिकतर पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं ना कि इसे उड़ाते हैं। इनकी स्कूली लाइफ खत्म होने के बाद इन्होंने जिप टू नाम का एक कंपनी खोला। उसकी शुरुआत उन्होंने कम पूंजी से की और वह पूंजी अपने पिताजी से उन्होंने ली थी और उन्होंने 1991 में वो कंपनी बेच दिया और उन्होंने $21 मिलियन कमाए। इतने पैसे मिलने के बाद कोई नॉर्मल इंसान उसे उड़ाने और मौज मस्ती करने के लिए ही सोचता, लेकिन एलन मस्क इनमें से बिल्कुल ऐसे नहीं है। उन्होंने सारी दौलत पेपल को बनाने में लगा दिया। पेपल को आप जानते होंगे, लेकिन पेपल को बनाने के पीछे एलन मस्क का पूरा हाथ है और इस कंपनी को उन्होंने ज़्यादा समय तक जुड़े नहीं रहे, अपने पास इस कंपनी को नहीं रखा। 2002 में उन्होंने $185 मिलियन में उसे बेच दिया। एलन मस्क ने $21 मिलियन से लेकर $185 मिलियन तक का सफर 3 ही साल में किया। पेपल कंपनी बेचने के बाद उन्होंने उस पैसे को अपनी मंजिल में लगा दिया और उन्होंने स्पेक्स नाम की कंपनी खोली। इसके बाद कुछ समय के बाद उन्होंने टेस्ला नाम की कार बनाने वाली कंपनी खोली। इतना सब कुछ होने के बावजूद एलन मस्क पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। 2008 में उन्होंने अपनी पहली पत्नी से डिवोर्स ले लिया। कोर्ट के चक्कर लगाने के साथ साथ इनके पास पैसे भी खत्म हो गए थे और ये पूरी तरह से कंगाल हो गए थे और इनकी दूसरी पत्नी ने इन्हें परेशान किए हुआ था और वहीं इन्हें कार बनाने वाली कंपनी से भी घाटा होने लगा था और वह पूरी तरह से डूब रही थी और इनकी जगह कोई और होता तो इन्हें चलाने की ज़रूरत नहीं करता, उस कंपनी को उसी हाल पर छोड़ देता। लेकिन एलन मस्क ने उस कंपनी को जारी रखा और अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर उस कंपनी में लगा दिया। जिस तरह सारे अरबपति अपना सारा पैसा अपने ऐशो आराम में लगाते हैं, उस तरह एलन मस्क बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि उनके पास अपना खुद का घर नहीं है, वो एकदम नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी जीते हैं और उन्हें कोई देखकर या नहीं कह सकता कि वो अरबपति हैं। और ये अपना पैसा और पूरा समय अपनी कंपनी पर ही लगाते हैं और ये अपनी लाइफ धीरे धीरे संवारने लगे थे और इनकी एक्स वाइफ ने इनका ज़िंदगी पूरा झंड कर रखा था और इनसे ज़्यादा रकम लेने लगी थी, जिसकी वजह से एलन मस्क का ज़िंदगी पूरा एकदम बर्बाद हो गया था और वो पूरी तरह से कंगाल हो गए थे और उन्हें लोन तक लेना पड़ा। 2010 में उनकी टेस्ला कंपनी जब मार्केट में उतरी तो तहलका मचा दिया और उन्हें रॉकेट की तरह आसमान में उड़ा ले गई, जिसके वजह से उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया और वो तेज़ी से काबिलियत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और टेस्ला कंपनी ने मार्केट में तबाही मचा दी। और वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क के दिमाग में खुरापात नहीं ख़त्म हुआ।
वहीं एलन मस्क ने ओपन आई नामक एक और कंपनी शुरू की। इस कंपनी के बाद वे रुके नहीं और उन्हें एक और कंपनी शुरू जिसका नाम न्यूरोलिंक था। यह बहुत ही अच्छी निकली जो न्यूरो टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही थी और इंसानी दिमाग को मशीन से जोड़ने का काम कर रही है। इसी कंपनी के बदौलत एलन मस्क दिमाग के पूरा सिस्टम को बदलने में लगे हुए हैं। एलन मस्क चाहते हैं कि पूरी दुनिया एडवांस कंपनी की मदद से एडवांस जिंदगी जी सके। ये सब सोचने के बाद आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि क्या ऐसा अरबपति इंसान भी हो सकता है। एलन मस्क ऐसे इंसान है जो लग्जरियस लाइफ नहीं जीना पसंद करते हैं। इन सब में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो लोगों को एक नया भविष्य देना चाहते हैं। एलन मस्क ने दुनिया के सबसे अमीर पर्सन के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इन्हीं सब मेहनत की वजह से वो दुनिया के सबसे रिच पर्सन बन गए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।